हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, और उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 5, फाइनाइट डिफरेंसेस एंड इंटरपोलेशन। सो बेसिक आइडिया जो है इंटरपोलेशन की, वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर दे दी है। तो आपको वो जानना है तो आप पहले ये वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो वो आप देख सकते हो। ओके, तो उसमें ये इंटरपोलेशन है एग्जैक्टली है क्या, उस पर हम क्या करेंगे वो मैंने ऑलरेडी बताया है। तो मैं आपको फिर से एक आइडिया दे देता हूँ इंटरपोलेशन के बारे में, कि मान लो कि आपके पास ये एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वाई जो है वो फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्स की वैल्यू दी है 1, 2, 3, 4, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू जो है मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 4, 6, 8, 10 दी है। तो ये जो एक्स की जो सारी जो वैल्यू है वो क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ है। सो वो डिस्क्रीट वैल्यू पे वाई की वैल्यू तो हमें पता है, बट ये 1 एंड 2 के बीच में मान लो कि मुझे 1.5 जब एक्स हो तब आपका वाई क्या है वो फाइंड करना है। ओके, तो हम किसका सहारा लेंगे, इंटरपोलेशन का। अब ये जो एक्स की जो गिवन रेंज है उसकी आउटसाइड के लिए हम फाइंड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रापोलेशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। सो ये इंटरपोलेशन के लिए जो बेसिक जो नीड है वो क्या है, फाइनाइट डिफरेंसेस की है। तो फाइनाइट डिफरेंसेस जो है बेसिक जो है वो मैंने कल आपको बताया था। सी, यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखिए कौन कौन से दिए हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड सेंट्रल डिफरेंसेस। एक जो और हम देखेंगे वो है डिवाइडेड डिफरेंसेस। वो हम बाद में देखते हैं। तो अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में अब देखा था, और उसके बेस पे एक एग्जांपल भी देखा था। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंसेस से। ओके, सो बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या है वो हम एक टेबल के जरिए समझेंगे। तो देखिए, हमने कल फॉरवर्ड डिफरेंसेस देखा था, उसको किससे डिनोटेट करते थे हम, डेल्टा से। सो सिमिलरली ये जो हमारा जो डिफरेंसेस है वो कौन सा है, बैकवर्ड डिफरेंस है। गेटिंग, तो बैकवर्ड डिफरेंस जो है उसको हम किससे डिनोटेट करेंगे, देखो ये उनको क्या बोलते हैं, नबला। सो फॉरवर्ड जो है वो डेल्टा से हम डिनोटेट करते थे, और ये जो बैकवर्ड है उसको किस से, इस तरह से, ये जो डेल्टा है उसका उल्टा लिख दो इस तरह से, राइट। और उसको क्या बोलते हैं, नबला। सो नबला क्या डिनोटेट करेगा, हमारा बैकवर्ड डिफरेंस को डिनोटेट करेगा। अब देखिए, इस तरह से हमें डेटा दिया होगा, देखिए ये एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी है, x0 to x5 एंड वाई की वैल्यू जो है वो y0 to y5। अब देखिए, हमें फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करना है, उसको हम कैसे डिनोटेट करेंगे, नबला से, राइट। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए y1 - y0, ओके, y1 - y0 इक्वल टू, उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये बैकवर्ड है तो नबला रखें और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y1। ओके, वही चीज़ हमने फॉरवर्ड में देखी थी, तब हम क्या लिखते थे, डेल्टा y0 लिखते थे। देखिए ये डिफरेंस था y1 - y0 का, बट उसको हम फॉरवर्ड है तो डेल्टा लिखते थे, और यहाँ पे जो है ये पहला जो एलिमेंट होता है ना, ये y0 मतलब ये यहाँ पे लिखते थे। बैकवर्ड में क्या करना है आपको, ये जो y1 है ना वो आपको लिखना होता है यहाँ पे। गेटिंग, बस इतना डिफरेंस है। आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ फॉरवर्ड का भी, देखिए ये पहला ही है, ये जो है वो एक्चुअली डिफरेंस ही है y1 - y0 का, लेकिन ये फॉरवर्ड है तो उसको हम डेल्टा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y0। सो बैकवर्ड में क्या करेंगे, y1 - y0 ही होगा, लेकिन नबला और उसको डिनोटेट करेंगे y1 y0 की जगह पे, राइट। सो यहाँ पे जो होगा ना वही हम लिखेंगे। ओके, और जो फॉरवर्ड है उसमें हम ये लिखते हैं, गेटिंग। तो ये डिफरेंस आप याद रखना, छोटे छोटी चीज़ें जो है वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है यहाँ पे।
बाकी इजी ही है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमें ये फाइंड करना है, तो ये किसका डिफरेंस आएगा, सी ये वाई टू माइनस वाई वन का है। वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बैकवर्ड है तो 90 और यहाँ पे जो है ना वाई टू, वाई टू लिखेंगे। फॉरवर्ड होता तो क्या लिखते, डेल्टा वाई वन, ये 90 वाई टू की जगह पे गेटिंग, बस इतना ही है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है सी। सो ये आपको जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको देखनी है, और इस तरह से आपको टेबल बनाना आना चाहिए। सो इस तरह से आप ये सारी जो है वैल्यूज़ 90 वाई थ्री वाई फोर एंड वाई फाइव की आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस, अब हमें करना है सेकंड डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस को डिनोटेड कैसे करेंगे, 90 स्क्वायर से। ओके अब ये क्या होगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। देखो 90 वाई टू माइनस 90 वाई वन का डिफरेंस, और उनका डिफरेंस जो है हम करेंगे सेकंड डिफरेंस से, तो 90 स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी है वो लिखेंगे क्या है वाई टू। ये हो गया ये दोनों का 90 स्क्वायर वाई टू। ओके सो सिमिलरली आप सभी कर सकते हैं। ओके इस तरह से आप ये थर्ड डिफरेंस जो है 90 क्यूब, वो ये 90 स्क्वायर वाई थ्री माइनस 90 स्क्वायर वाई टू करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके सेम आप यहाँ पे जाओगे तो देखो ये 90 रेस टू 4 वाई फोर जो है वो ये 90 क्यूब वाई फोर माइनस 90 क्यूब वाई थ्री। सिमिलरली ये जो है 90 रेस टू 5 वाई फाइव वो क्या होगा, 90 रेस टू 4 वाई फाइव माइनस 90 रेस टू 4 वाई फोर का डिफरेंस होगा। सो इस तरह से आपको बहुत इजी तरीके से आप जो टेबल है वो बनाना रहता है, इसके लिए बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल भी है उनके थ्रू हम समझते हैं, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। सी क्या है, कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। सो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल मतलब बैकवर्ड है ना 90 आएगा फ्रॉम द गिवन डेटा। सो डेटा जो दिए है वो है एक्स एंड वाई के डेटा, ये जो टेबल में दिखाई दे रहे हैं वो दिए है। सो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में पहले जो एक्स की जो डेटा है वो हम वर्टिकल लिख देंगे, सिमिलरली वाई के डेटा को जो भी दिया है उसको वर्टिकल लिख देंगे, राइट। अब हम फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट डिफरेंस को हम डिनोटेड कैसे करेंगे, 90 से। तो वो क्या होगा, देखिए ये 3 माइनस 1 तो आंसर क्या आएगा 4। सिमिलरली 8 माइनस 3 क्या आएगा आंसर 5, देन 16 माइनस 8 क्या आएगा आंसर 8। तो ये पहला डिफरेंस आ गया। अब सेकंड डिफरेंस, तो उसको हम डिनोटेड करेंगे 90 स्क्वायर से। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये दोनों का डिफरेंस लिया तो उसके बीच में हमें ये आंसर लिखना है, तो इजी रहेगा टेबल कंस्ट्रक्ट करने पे। अब देखिए सेकंड डिफरेंस है 90 स्क्वायर, वो कैसे फाइंड करेंगे, सेम 5 माइनस 4 तो आंसर आएगा 1, तो ये 5 एंड 4 के बीच में आपको लिखना है। सिमिलरली 8 माइनस 5 आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ पे ये सेकंड डिफरेंस हो गया। अब थर्ड डिफरेंस है तो उसको हम डिनोटेट करेंगे 90 क्यूब से, वो क्या आएगा 3 माइनस 1 आंसर क्या आएगा 2। बहुत इजी है, इस तरह से आप जो है बैकवर्ड डिफरेंस का जो टेबल है वो आप बना सकते हो गिवन एक्स एंड वाई के डेटा के लिए, गेटिंग। चलिए तो उसके बाद ये तो सारे बेसिक है, बाद में हम ये सारे डिफरेंसेस जो है वो हम देखेंगे, बाद में हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, वो एग्जांपल में ये जो डिफरेंसेस जो है सारे वो यूज़फुल होंगे, गेटिंग। तो चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा है, वो है सेंट्रल। तो सेंट्रल डिफरेंस जो है उसको किस तरह से डिनोटेट करते हैं वो आपको याद रखना है, इस तरह से डेल से। ओके अब मानिए कि मेरा जो पहला जो वाई की वैल्यू है 2, उसका डिफरेंस मैं लूँगा सेम हम लेते हैं वैसे वाई वन माइनस वाई जीरो, लेकिन जब फॉरवर्ड था तो हम क्या लिखते थे डेल्टा वाई जीरो, बैकवर्ड है तो क्या लिखते हैं डेल्टा, इस तरह से डिनोटेट करते हैं ना वाई वन। बट यहाँ पे क्या है हमारा सेंट्रल डिफरेंसेस है, राइट। तो सेंट्रल डिफरेंस किस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से डेल लिखेंगे, और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट में जो लिखते हैं ना हम ये वाई जीरो जी वाई वन वो क्या लिखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे वाई, और यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है ना ये दोनों का एवरेज, देखो ये वन और ये जीरो, ये दोनों का क्या करेंगे हम एवरेज, तो 1 प्लस 0 बाई 2 क्या होगा 1 बाई 2,
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई वन बाई टू, ठीक। सो जो भी डेटा के बीच में हम डिफरेंस ले रहे हैं वो डेटा के जो सब्सक्रिप्ट होगा ना उनका एवरेज हमें लिखना रहेगा यहाँ पे, ठीक। सो ये आपको याद रखना है क्या कि यही जो डिफरेंस है वाई वन माइनस वाई जीरो का, फॉरवर्ड में हम लिखते हैं डेल्टा वाई जीरो, बैकवर्ड में लिखते हैं नबला वाई वन, और सेंट्रल डिफरेंसेस में हम उसको डिनोटेट करते हैं डेल वाई वन बाई टू से। तो ये बेसिक चीज़ है, वो आप टेबल में आपको दिखाई देगा। सी ये सेंट्रल डिफरेंस का टेबल है। सो एक्स एंड वाई के जो गिवन डेटा है लिखा है यहाँ पे एक्स जीरो टू एक्स फाइव एंड वाई जीरो टू वाई फाइव। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस जो है उसको डिनोटेट किया है डेल से। अब देखिए वाई वन माइनस वाई जीरो उसको हम किस तरह से डिनोटेट करेंगे, डेल वाई वन बाई टू से। सिमिलरली अब क्या होगा नेक्स्ट, ये आंसर चाहिए तो आपको क्या करना है, वाई टू माइनस वाई वन। सो वाई टू माइनस वाई वन करोगे तो आपको आएगा सेंट्रल डिफरेंस को डेल से, और ये वाई टू एंड वन का क्या करना है एवरेज, तो क्या हो जाएगा थ्री बाई टू। तो हाँ इस तरह से लिखेंगे उनको डेल वाई थ्री बाई टू। इस तरह से आप सभी जो ये है वैल्यूज़ वो आप फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस की, राइट। सिमिलरली आपको अभी सेकंड डिफरेंस फाइंड करना है, सेंट्रल डिफरेंस है तो उसको हम डिनोटेट करेंगे डेल स्क्वायर से, राइट। वो किसका डिफरेंस होगा, देखो ये पहला है तो ये किसका डिफरेंस होगा, इनका और इनका, मतलब डेल वाई थ्री बाई टू माइनस डेल वाई वन बाई टू का डिफरेंस है। तब यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, देखिए थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू जो है उनका एवरेज, तो क्या होगा थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू डिवाइड बाई टू होगा। सो थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू क्या आंसर आता है, फोर बाई टू, मतलब टू बाई टू आंसर क्या आ जाता है, वन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल स्क्वायर वाई वन, डेल स्क्वायर वाई वन का मतलब क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक। इस तरह से आंसर आएगा। सिमिलरली आप आगे जाओ तो ये जो है वो ये दोनों का डिफरेंस है, डेल स्क्वायर वाई टू माइनस डेल स्क्वायर वाई वन। ये टू एंड वन जो है सबस्क्रिप्ट यहाँ पे, ये टू एंड वन उनका एवरेज थ्री बाई टू होता है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है कि इस तरह से मतलब डिनोटेट करना है, सिंपल सी बात है। ओके आपको ये डेल रेस टू फोर वाई टू फाइंड करना है तो ये दोनों का आपको एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन, डेल क्यूब वाई फाइव बाई टू माइनस डेल क्यूब वाई थ्री बाई टू। और यहाँ पे ये टू कहाँ से आया, ये तो ये फाइव बाई टू प्लस थ्री बाई टू का एवरेज लेना है हमें, राइट। तो फाइव बाई थ्री प्लस थ्री बाई टू कितना आता है, फोर आएगा, डिवाइड बाई टू करोगे एवरेज है तो क्या आएगा आंसर, हमारा टू आंसर आ जाएगा। देखो ये सिमिलरली ये जो आंसर है वो ये और इनका डिफरेंस है उसको डिनोटेड करेंगे, ये थ्री और टू उसका एवरेज, तो थ्री प्लस टू बाई टू मतलब फाइव बाई टू आएगा आंसर। सो इस तरह से आप गिवन डेटा के लिए जो सेंट्रल टेबल है वो आप बना सकते हो सेंट्रल डिफरेंस का, राइट। वैसे ही एक और इम्पोर्टेंट है डिफरेंस, वो मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जांपल के अंदर ज़्यादा यूज़ होगा, वो है देखिए ये वाला डिवाइडेड डिफरेंस। अब ये डिवाइडेड डिफरेंस है क्या, तो सी एक सिंपल सा ये डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्मूला दी है ये सारी, जो पहला जो डिफरेंस है वो ये है, ये सेकंड डिफरेंस है और ये थर्ड डिफरेंस है। सो ये जो फर्स्ट डिफरेंस है वो किसके बीच में है, देखिए लिखा है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स जीरो कॉमा एक्स वन, तो आंसर क्या आता है उसका, वाई वन माइनस वाई जीरो डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो, राइट। तो ये यूज़ करके, फॉर्मूला यूज़ करके हम फर्स्ट जो है डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, लेट्स सी द एग्जांपल। तो देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे कि सॉरी ओके नाउ ये एग्जांपल है, उसमें क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए फाइंड द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस विथ आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, देखिए ये टू फोर नाइन एंड टेन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। तो ये जो सारे जो दिए हैं ना आर्ग्यूमेंट्स वो एक्चुअली किसकी वैल्यू हो गई हमारी, एक्स की,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की गेटिंग। तो एक्स इक्वल टू हमें लिखना है टेबल में 2, 4, 9 एंड 10। नाउ उनकी वैल्यू के लिए हमारी वाई क्या आता है, वाई यानी हमारा क्या है ये एफ एक्स, एफ एक्स से हमारा क्या होता है एक्चुअली वाई। तो हम एक्स की वैल्यू जी 2 रखेंगे तो हमारा ये फंक्शन क्या आता है, तो यहाँ पे 2 रख दो तो क्या आता है एक्स क्यूब है, तो 2 क्यूब रखेंगे एक्स की जगह पे 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 रखता हूँ तो आंसर क्या आएगा 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा 4। सो एक्स की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स यानी वाई क्या आता है हमारा 4। सिमिलरली आपको एक्स की वैल्यू 4 रखनी है यहाँ पे, तो क्या आएगा 4 क्यूब। ओके तो यहाँ पे आएगा आपका 64 माइनस 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, तो डिफरेंस आंसर क्या आएगा 56। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ वाई इज बिकम 56। तो आपको एक्स की द हर एक वैल्यू ये फंक्शन के इक्वेशन में रख के आपको एफ एक्स यानी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो इस तरह से एक्स के एंड वाई के डेटा हमें मिल जाएगी गेटिंग। अब हमें कौन सा डिफरेंस यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे दिया है डिवाइडेड डिफरेंस, फाइंड द क्या है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस राइट। तो देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को शॉर्ट में लिखा है डिवाइडेड डिफरेंस मतलब डी डी। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से करेंगे, हमने अभी इक्वेशन देखा वैसे y1 माइनस y0 बाई x1 माइनस x0 गेटिंग। तो देखिए क्या होगा y1 माइनस y0 मतलब ये आपका y0 है, ये y1, ये y2 एंड ये y3। सिमिलरली ये x0 x1 x2 एंड x3 होगा। तो क्या करेंगे y1 माइनस y0 है तो 56 माइनस 4 या डिवाइड बाय x1 माइनस x0, तो 4 माइनस 2। ओके सो 56 माइनस 4 डिवाइड 4 माइनस 2, ये आंसर आ जाएगा 26। अब आपको सेकंड यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये दोनों डेटा का हमने फाइंड किया ना, तो उसको बीच में रखो यहाँ पे। अब देखिए किसका करना है, ये थर्ड एंड सेकंड डेटा के। तो क्या करेंगे, ये 711 माइनस 56 देखो ये आया डिवाइड बाई 9 माइनस 4, तो ये आएगा इक्वल टू जो भी आंसर आया वो। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या आएगा 980 डिवाइड माइनस 711 डिवाइड बाई 10 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 269। सो इस तरह से फर्स्ट डिफरेंस तो बहुत इजी है। अब देखिए सेकंड डिफरेंस जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, तो सी सेकंड डिफरेंस में क्या दिया है, देखिए ये x0 x1 एंड x2 के बीच में, तो यहाँ पे क्या लिखा है x1 कॉमा x2 माइनस x0 कॉमा x1 मतलब ये वाला डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पे x2 माइनस x0, यहाँ पे क्या था x1 माइनस x0, यहाँ पे क्या है x2 माइनस x0। अब ये क्या है वो मैं आपको डायरेक्ट टेबल में बताता हूँ। सी अब ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया है, अब क्या आएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो प्रीवियस फर्स्ट डिवाइडेड जो आया था ना उसका आंसर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए 131 माइनस 26, तो देखिए यहाँ पे है डिवाइड बाय, अब किसका करेंगे, ये एक्स की वैल्यू का ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन कौन सी लेंगे, यहाँ पे दिया है x2 माइनस x0 राइट। तो क्या आएगा ये 9 माइनस 2, ये आएगा इसके रिलेटेड देखना है हमें, ये 131 जो है ये तो आएगा 2 तो 131 किसके साथ है, देखिए इनके साथ है, तो ये 9 लेना है 9 माइनस 2। सिमिलरली हमें ये फाइंड करना है ये आंसर, तो क्या आएगा 269 माइनस 131, तो ये आ गया डिवाइड बाय, देखिए क्या है 10 माइनस 4, ये आएगा। ओके अब देखिए ये हमें फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो ये न्यूमरेटर जो है वो तो प्रीवियस डिफरेंस से आ जाएगा, देखिए 23 माइनस 15, तो आ गया 23 माइनस 15, ये तो आ जाएगा, लेकिन ये 10 माइनस 2 कहाँ से आएगा, तो देखिए वो एक्स का ही डिफरेंस है, लेकिन क्या करना है ये 10 माइनस ये 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। देखिए ये किस तरह से करना है 10 माइनस 2, तो एक्स जो है वो रिलेटेड किसके साथ है वो देखना है। देखिए ये हम आंसर फाइंड कर रहे हैं, देखो ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ, तो ये कहाँ से मिला, ये दो डिफरेंस पे से मिला, ये दोनों डिफरेंस कहाँ से मिले, देखो यहाँ से मिले, और यहाँ पे एक्स क्या लिया था देखिए 10 लास्ट में,
पहले क्या लिया था, तो ये दोनों का डिफरेंस करना है राइट। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए ये डिनोमीटर में जाता है वो क्या आता है, एक्स एन माइनस एक्स जीरो। ओके, यहाँ पे देखिए सेकंड में एक्स टू माइनस एक्स जीरो। सो इस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो आपको फाइंड करना है, ये टेबल है उसका। तो आपको ये जो सारे जो डिफरेंसेस जो बताए हैं मैंने वो बेसिक है, सिंपल, बस किस तरह से टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है वो ही मैंने बताया है। अभी तक हमने जो मेन एग्जांपल है वो तो किया ही नहीं है, लेकिन उनके लिए ये जो सारी चीज़ें जो है वो यूज़फुल है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है राइट। सो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, इनके बेस पे जो एग्जांपल है ना वो हम सॉल्व करेंगे।